साहिबा को सैल्यूट किया, उन्होंने सर्च के चौकीदारों को बातचीत के लिए बुलाया। हमारे जो है तीन मुद्दे मेन रहे कि भाई अर्धसैनिक बल जो पिछले 17-20 साल से यहाँ पे आए हैं, शहीद हो रहे हैं, उनके लिए भी अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गठन हो, और दूसरा जो शहादत सम्मान राशि, शहीद सम्मान राशि जो 25 लाख रुपये उसको 1 करोड़ दिया जाए। हालांकि शहीद का कोई मोल नहीं होता, लेकिन जब सरकार खिलाड़ियों को 4 से 6-8 करोड़ रुपया दे रही है तो देश के लिए जान कुर्बान कर रहा, खासकर छत्तीसगढ़ के वासियों को जो शहीद होते हैं, चाहे वो पुलिस का ही क्यों ना हो, चाहे पुलिस फोर्स का हो, सीआरपीएफ का, बीएसएफ जो भी, उनको 1 करोड़ सम्मान राशि देने की बात कही। दूसरा, हमने अर्धसैनिक बलों के लिए एक्समैन स्टेटस देने की मांग की, ताकि जो हमारे जो रिटायरीज हैं उनको भी पुनर्वास और नौकरियां मिल सके, और अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड के गठन के लिए सरकार जो है ना, खासकर मैम साहब जो हमारी गवर्नर साहिबा ने भी कहा कि बिल्कुल हम इसको जो है सरकार को भेजेंगे, ताकि हमारी विधवाओं वीरांगनाओं के पुनर्वास और पेंशन के मसले स्टेट में ही पूरे हो सके। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अर्धसैनिक जो देश की लंबी सरहदों की चाक चौबंद चौकीदारी कर रहे हैं। हमारा नाम ही ऐसा है, अर्धसैनिक आधे अधूरे ठगे से। जैसा आपको मालूम है कि जवानों की पेंशन ही नहीं है, जवानों को वन एक्वल पेंशन छोड़ दीजिए, हमारे सीबीसी कंटीन जो आज मार्केट रेट पे आ गई है जीएसटी के चलते, उसको भी सरकार माफ़ करे। और गवर्नर साहिबा ने बोला है कि ये मैं जो है अब अर्धसैनिक बलों के हकों के बारे में मैं केंद्र सरकार को भी लिखूंगी और मुख्यमंत्री को भी लिखूंगी, ऐसा विश्वास दिलाया। ये हमारा प्रतिनिधि।